टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियत से आरास्ता हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5-6 हजार के ऑफर्स में दस्तियाब, अलावा जी सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राबता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल सर्विस होलसेल एंड रिटेल विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल। पूरे कॉन्फिडेंस अगर किसी जिंदा आदमी का श्राद्ध कर दूं भगवान की कसम अगले दिन मरा हुआ मिलता है। और मेरी कविताओं में जो लोग ताली नहीं बजाते हैं सामान्य तल कर दिया है। देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे देशभक्ति की, इतना डरपोक है कि सबसे पहले ठोक दिया। ताली बजाना चाहिए, उससे बहुत बहुत फायदे होते हैं। और मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं तो कहीं ताली ना बजे तो इंदौर में तो मैंने श्राप दे दिया था, अगर कविता में ताली नहीं बजाई अगले जन्म में घर घर जाके बजाने का काम मिला है। ताली से होगा कुछ नहीं है। देखिए हंसना ठहाके लगाना मस्ती लीजिए, ये हंसने का जो हुनर है ये सिर्फ मनुष्य को दिया हुआ है। आपने कभी किसी गले को हंसते हुए नहीं देखा बेटा कभी आप बुट्टी की मलमल जी से छलदेवरी टूट रही है। बैठिए बैठिए, आप छोटी है ज्यादा बड़ी तो नहीं। अच्छा बैठिए। बड़ी बहु की पावंदी पल्लू से छूट नहीं है, छोटी की मलमल जी से, छोटी की मलमल जी से चलते ही टूट रही है। सजली मजली की पायल के घुंघरू ठसे ठसे हैं, करवा चौथ के धूप नारी अर्थी की हंसी हंसे हैं। और सबसे गंभीर बात बोलो, नर्मे अगर अपने मायके जाती हैं और ये माहौल होता है तो वो क्या सोचती हैं? बड़ी बहू की पाबंदी पल्लू से छूट रही है, छोटी की मलमल जी से, छोटी की मलमल जी से चंदेरी टूट रही है। सजली मजली की पाये के घुंघरू ठसे ठसे हैं, करवा चौथ के धूप नारी अर्थी की हंसी हंसे हैं। मुन्नी को पीहर में आकर अवधि खेद हुआ है, मेरे घर की दीवारों में छेद हुआ है, झोंकी चूल्हे में शायद मतभेद हुआ है, मेरे घर की दीवारों में छेद हुआ है। और एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण आएगी इसके अंदर, अगर मैं आपके मन में आपकी भावनाओं में आने का प्रयास कर रहा हूं तो फिर मेरे को बताइएगा संयुक्त परिवार में आंगन का क्या महत्व होता है, छत का क्या महत्व होता है, शाम को उस परिवार के पूरे बच्चे महिलाएं क्या उनका व्यवहार होता है, और जब वो घर टूट रहा होता है तो फिर उनका क्या व्यवहार हो जाता है। आइए देखते हैं सभी चटा उसकी वो मां क्या करती है, चुड़िया जाए उसके साथ कि तेरी चटाई का आंगन में बिछना बंद हुआ, शान सुहानी का छत पर जा हंसना मंद हुआ, तुलसी जी के पत्तों में बेचैनी दिख रही है, परसों पहले भूल गई जो माँ वो सीख रही है, आपस में कुछ काला पीला और सफेद हुआ है, मेरे घर की दीवारों में छेद हुआ है, मेरे घर की दीवारों में छेद हुआ है, चौकी चूल्हे में शायद मतभेद हुआ है। और अंतिम पंक्ति इसका बाल मानसिकता का, बच्चे संयुक्त परिवार के अंदर चाहे वो चाचा के हो, चाहे वो ताऊ के हो, चाहे छोटे चाचा के हो, बुआ के हो, सब मिलके रहते हैं, खेलते कूदते हैं, किस स्थिति में क्या स्थितियां बनती आई है उनके ऊपर विचार करते हैं। बहुत ही भावनात्मक बंद आपके बीच में देने जा रहा हूं, उस बंद के अंदर खोइएगा, उसमें डुबकी लगाइएगा। टाट टुलाने ताने झिड़की, टाट टुलाने ताने झिड़की से बच्चे हैरान है, ये लो ना, टाट टुलाने ताने झिड़की से बच्चे हैरान है, तीखी तीखी सी चुप्पी है, बातें तीर कमान है। और ये चीज देखना, आधे से थोड़ा सा ऊपर सांझी गुल्लक अटक गई, टूटा हुआ परिवार की स्थिति, आधे से थोड़ा सा ऊपर सांझी गुल्लक अटक गई,
एक अठन्नी ताली गुट्टों ने मम्मी को चटक गई, इसका उसके कमरे में प्रवेश निषेध हुआ है, मेरे घर की दीवारों में छेद हुआ है, झोंके चूहे में शायद मतभेद हुआ है, मेरे घर की दीवारों में छेद हुआ है। आइए दूसरी बात पर मैं आपके बीच में मेरी वो महत्वपूर्ण रचना लेकर आऊंगा जो मैं कवि सम्मेलन में सुनाया करता हूँ, जो मैं लाल किले पर भी सुनाया करता हूँ। इसके बीच में एक कविता जो आपको सुनाई, कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि पता नहीं क्या बोलिए सुना रहे, कौन सी हिंदी सुना रहे हैं, लेकिन चूंकि देश के प्रति, चूंकि आपके प्रति मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने ये दो कविताएं सुनाई। मैं फिर से आपके बीच में हंसने हंसाने के लिए आमंत्रित करता हूँ भाई संदीप शर्मा था। बहुत बहुत आभार सर, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई है। हालांकि जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, ये छेद को करने में इनका कोई योगदान नहीं है। बताओ आपकी तरफ से बोलो तो बता देगा, ये दीवारों में छेद इनने नहीं किया, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। क्योंकि जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, जब तुलसी की पूजा हो रही थी, रोटी बन रही थी, ठाकुर जी की पूजा हो रही थी, ये छेद इन्होंने नहीं किया, ये सब उस समय टीवी के सामने बैठी हुई। एक भी उस साजिश में शामिल नहीं है, सबका अपना अपना काम है। आप बहुत देश से प्यार करते हैं, मैंने एक चीज यहां से महसूस की, जब मैंने ताली बजाई तो सबने ताली बजाई, इसलिए जब मेरी कोई बात अच्छी हो तो आप ताली बजाना ताकि ये बात अच्छी थी, आपने पानी पीने में इसको गंवा दिया। अब जब सब पानी बजाए तब बजा दे। आप सत्यनारायण की कथा में गए, ज्यादातर लोग जब वो पंडित कहता है अध्याय समाप्त तो लोग अपने आप ताली बजाते, आपको कुछ समझ नहीं आ, समाज जी ताली बजाए तो ताली बजा देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान की कसम खा के कहता हूं। सिर्फ एक फर्क पड़ेगा, आपका पड़ोसन के ऊपर इंप्रेशन बनेगा।